मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी के बारे में उनकी धर्म पत्नी कमला मुखर्जी लिखती हैं। उन्हीं के अनुभव में आजकल मैं आपको प्रातः लीला में सुना रहा हूं। वो लिखती हैं कि 12 अक्टूबर 1974, ये तारीख आपको याद होगी, मैंने एक अंक में बताया था कि जो महाराज जी का चित्र दक्षिण मुखी स्थापित किया था एक वर्ष पूर्व, यानी जब 14 सितंबर 1973 को महाराज जी की अस्थ कलश को जब विसर्जित करके आए थे वहां पर संगम पर, तो इसके बाद उस तट पर महाराज जी का चित्र रख दिया था जिसमें चरण कमल बने हुए हैं और उसका मुखार अब पूर्व की दिशा में हो गया, स्वतः हो गया। हनुमान चालीसा तकिया के नीचे थी, आगे आ गई, वो मैं सारी बात डिटेल में आपको बताई थी। और ये सब जब भक्तों को पता चलता है तो बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आने लगते हैं वहां पर। और ये कैसे हो गया नहीं पता चल पा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में भक्तों को कैसे पता चल गया। और ऐसे समझ लीजिए कि लोगों का अधिकांश मत यही है कि महाराज जी ने स्वयं प्रकट हुए और वो सब काम करके दे दिया। उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा थी कि हम इस कच्छ में इस तरफ मोह करें, ऐसे भक्त आए, ऐसे पूजा करें, ये तो इच्छा पे ही निर्भर है। और महाराज जी की इच्छा, उन्होंने खुद ही अपने कच्छ में अपना सब कुछ संभाल दिया। दादा ने पुष्प सज्जा शुरू कर दी है, पुष्प सज्जा से वहां पर सजाने लगे हैं। और 12 अक्टूबर 1974 को जिस दिन ये घटना हुई उस दिन बड़ी संख्या में लोग आए, पूरा दिन तांता लगा रहा। मुझे लगता है कि एक भक्त दूसरे को बता देता होगा और ये संख्या उस दिन की और देखने के लिए लोग आते रहे। सांध का समय होता है तो सबका मन हो जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़े। फिर वहां पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, सुंदर कांड का पाठ प्रारंभ हो जाता है। अब ये हुआ क्या है, ये दादा जो गंभीर दुख के सागर में चले गए थे, कुछ ऐसा बदलाव किया महाराज जी ने जिससे दादा में उभार हो। तो अब भक्त जो आ रहे हैं वो घटना पर चर्चा हो रही है तो दादा सुन रहे हैं और उनका मन प्रसन्न है। हनुमान चालीसा हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ, सुंदरकांड का पाठ करने में राजू दा, मुकुंद दा, रघुनंदन पंत और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। विशेष बात, उस दिन बच्चों ने सुंदरकांड में विशेष भाग लिया। और जब ये सब कुछ हो गया फिर शाम को भंडारा भी हुआ। तो आप प्रसाद लीजिएगा, मैं भी प्रसाद लेके आता हूं। राम राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।